करो करो लॉग आराम। पासवर्ड डाल रहे हैं हम लोग। 8 0 8 पासवर्ड है बाय डिफॉल्ट। ये वाला ही जाएगी, ये आराम आराम से यार, सेव आराम कर से, सकते हैं। इतनी तेज मत दबा, ये सेंसर सेलेक्शन है, अगर हमने PT100 सेंसर यूज किया हो तो 21 सेलेक्ट करेंगे। आराम आराम से बोला, आराम आराम से यार, 21 सिलेक्ट करेंगे। और अगर हमारा सेंसर के टाइप है तो हम 0 सेलेक्ट करेंगे, और सेंसर हमारा जे टाइप है तो 5 सेलेक्ट करेंगे। ये मैन्युअली यहाँ से चेंज हो सकता है। ओके रिपोर्ट से और नहीं आएगा ना, आराम से दबाना, इतनी जितनी तेज की दोबारा है। इसमें बस हम पैरामीटर डाल रहे हाँ हैं, पैरा ये जैसे ये PT100 सेंसर का पैरामीटर क्या है, अरे यार ये फिर चला गया, ये ओपी निकल अकॉर्डिंग गया टू मेरा फिर सेंसर से। डाल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसर डालते हैं ना हाँ पैरामीटर, अकॉर्डिंग टू सेंसर। वो और हमारे पास इसमें होना चाहिए परसेंट उसका। वैल्यू हाँ और सेट वैल्यू हम अपने डाल सकते ये तो हैं। यहीं से चेंज होता है मेन विंडो से। सेट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, एक मिनट रुक जाए, सेट होने दे यार सेट ना। वैल्यू जो हम डालेंगे वही प्रेजेंट, फिर वो अपने हिसाब वो से वहां पे देगा, सेव हो जाती प्रेजेंट है तो अंदर, जो और उसका कुछ नहीं होता टेम्परेचर है। है वो आ जाएगा, प्रेजेंट सेट वैल्यू में सेव। प्रेजेंट में अपना डाल हाँ लेता सर सेंसर, वही सेट वैल्यू सेट डाल, वैल्यू डालते हैं। प्रेजेंट में जो आपका सेंसर सेंस कर रहा है टेम्परेचर, तो हाँ वो वो आता शो है, कर शो रहा है। करता है। अच्छा प्रेजेंट में अच्छा हमें कुछ नहीं करना, प्रेजेंट में नहीं करना, सिर्फ सेट वैल्यू में ही हम सेट चेंज सेट कर वाला कहाँ सकते पे हैं। आएगा? इसके लॉक के बाद आता है ना रुक वो, रुक 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 रुक। इसे अभी बंद कर दो। अरे वो तो हम ले कर रहे ना, ये पैरामीटर चेंज मैं कर क्या कह सकते रहा हो, हूँ, अदरवाइज तुम पैरामीटर चेंज नहीं कर पाओगे यहाँ से। LOC में जीरो जीरो हो ही तभी छूट में वो आता है ये, वो पास LOC में। हाँ घुसे में तो मुझे ऑटोमेटिक डालते जीरो, रहना, ऑटोमेटिक ही जीरो आता है, नहीं आता क्योंकि ऑटोमेटिक जीरो। नहीं आता अरे भाई, मैं टू भी सेट रह जाता, अभी मैं चेंज कर रहा था नहीं हो कम रहा से कम था, एक अभी काम मैंने कर, किया है देखो। देखो बोला नहीं था मैंने कि भी हाँ LOC में जीरो नहीं होगा तो कुछ नहीं, कुछ बटन नहीं ही कर नहीं काम सकते तुम। करेगा, ऑटो अब ट्यून देखो ही नहीं मैंने यहाँ होगा, पे टू तो का इसलिए थ्री करके छोड़ दिया, सेंसर ठीक है अब मैं आ गया। अब तुम टेम्परेचर बढ़ा के दिखा दो, ओके ये मसला है इसमें। करियो दोबारा। अब मैंने समझ लिया बस दो ही चीज़ है इसमें और कुछ नहीं है। इसमें दो डालनी है, मैं सेट वैल्यू डालनी है हाँ और और वो एक तो पैरामीटर LOC सेट करना है, LOC। LOC में अगर जीरो है तो ही अभी हम टेम्परेचर सेट कर सकते अभी हैं। स्विच ऑफ करना था इसका, कर दो स्विच यार। ऑफ, हाँ अभी वो देखते हैं जीरो रीसेट होता हाँ है, कुछ नहीं बढ़ेगा जब तक वो ही नहीं अच्छा होगा नहीं यार। बढ़ेगा, अब अनेबल टू रीसेट नहीं देखो होता है, उसको उसको जीरो सेट करते हैं फिर बढ़ जाएगा सब। ठीक है ठीक इसको है जीरो अनलक सेट कर दिया, ठीक और अब सब है, बढ़ेगा। ठीक है हाँ नहीं अरे ऑटो यार ट्यून, आ गया, ऑटो ट्यून सब में जस्ट होता है, ऑन है ये ये। देखो हाँ ऑन ऑफ और ये ऑफ। बस है। अच्छा ऑटो ने डाउन ऑन क्यों कर दे, ऑन हम कर कहते दे हैं ना, टेम्परेचर टेंपरेचर मेंटेन मेंटेन के लिए करवाने और के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, नीचे टेम्परेचर और अगर होगी हम नहीं सेट करेंगे ऑटो ट्यून तो वो टेम्परेचर बढ़ता जो है जाएगा। प्लस माइनस अपना आप सिलेक्ट तुम करेगा सेट नहीं वो। कर सकते ना उसको रूम टेम्परेचर नहीं के मैंने सेट अकॉर्डिंग, कर दिया, रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते ना वो। ऑटो ट्यून अपने मतलब आप रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करेगा। समझा नहीं यार कैसे बोल रहा है, इसका मतलब इवन 27 आराम है, आराम से। इसका 35 है अभी रूम टेम्परेचर, ठीक है। हाँ मैंने ऑटो ट्यून ऑफ किया, ऑन किया मतलब 35 पे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टेम्परेचर में सेट वैल्यू कर रखी है वहां तक तो जाएगा ही, फिर वो वापस आएगा तो यहीं से फिर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। ये होता है, यही होता है ना। ऑटो ट्यून मतलब ये है, जैसे हमारे रूम टेम्परेचर पर हमने करा, वैसे करते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक मीडियम लेते हाँ हैं पचास मिड साठ पे, जो होता है। ये जितना हायर है उसका मिड पे, अगर मान लो जैसे रूम टेम्परेचर बता रहे हैं ये, जब हायर जाएगा तो उस टाइम पर वो एक अपना जो प्लस माइनस है अपना आप ही ले लेगा, हाँ, और समझ। जब नहीं मिड पे मैं करोगे मतलब ऑन ऑफ करने मतलब लगेगा देख, वो फर्स्ट फिर। सिचुएशन मेरी है कि मैंने सेट कर दिया अपना, यहाँ पर मैंने 50 डिग्री कर दिया, हाँ ठीक है, पचास सेट, डिग्री उसे अचीव करना है उस कंडीशन, उसमें हाँ चैम्बर में। हाँ अब मैंने 50 डिग्री ऑटो ट्यून नहीं करा मैंने, ऑटो ट्यून नहीं तो करा क्या दिक्कत तो आएगी? जैसे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा 50 पे जाएगा, हाँ तो 50 के बाद जरूरी नहीं 49 पे ही आए, हाँ जैसे माइनस करेंगे वो तो होता 49 ना, में वापस नहीं अटेन करेगा उसको। एक रेंज होती है प्लस और माइनस, 50 का आए हमें 1 चाहिए तो 49 और 51 ओके, लेकिन उस टाइम पर जब ऑटो ट्यून नहीं करोगे तो 45 भी जाएगा, 55 भी जाएगा, मैंने 50 सेट किया तो 50 भी रुक मतलब जाएगा। प्लस माइनस होता रहेगा प्लस अभी। माइनस जो होगा ना उसका हाँ हाँ वो वो अपने ऑटो आप ही ट्यून से लेगा, होगा, अपने आप ले मतलब लेगा। 45 भी ले सकता है, 40 भी ले सकता है, और 55 और 60 भी ले सकता है, ऑटो ट्यून कर दोगे जो आपने रीडिंग दी है 1% भाई या उठा वन ले मैं डिग्री बासुरी तो उठा ले। 49 और 51 ही लेगा, जब अचीव कर लेगा पूरा 50 उसके बाद 49 और 51 तक ही चलेगा, ऑटो ट्यून अच्छा नहीं करोगे हाँ तो वो 45 तक भी जा सकता है और 55 तक भी जा सकता है, एक्यूरेसी में दिक्कत आएगी, एक्यूरेसी में भी दिक्कत आएगी, मेंटेन नहीं कर पाएगा मतलब। उस पे सेट वैल्यू पे हमारे मेंटेन नहीं कर पाएगा, इस वजह से हम ऑटो हाँ ट्यून करते ऑटो हैं। ट्यून करते हैं, प्लस अगर पैरामीटर आपके डिस्टर्ब हो गए हैं तब हाँ भी आप ऑटो ट्यून करोगे तो वो डिफॉल्ट ले लेगा, जैसे कैसे डिस्टर्ब हो गई करके दिखाओ। जैसे ये भी था ये आपका,
येलो सी है, ये हमने पास करके छोड़ दिया है। सिक्स अभी देखो ये नीचे बढ़ रहा, 6 मिनट्स। नहीं, ऑटो ट्यून कहाँ से होता है? ऑटो ट्यून को एम को प्रेस करके रखो, हाँ एम या 80 होगा यहाँ पे, इसको ऑन कर दो। तो हो गया। अभी फिर ओके करना पड़ेगा इसका। अभी जिस रेंज पर ऑटो ट्यून की एक रीडिंग होती है किस टेम्परेचर पर हम ऑटो ट्यून कर रहे हैं, हाँ अब ये 11 पर ऑटो ट्यून था यहाँ पर जो हमने प्रेजेंट कर रखा 11 ऑटो पर। ट्यून टू 11% 11 डिग्री सेल्सियस। हाँ 11, जैसे ही अब ये ग्यारह। जब 11 मेंटेन कर, 11 तो मेंटेन करेगा नहीं क्योंकि रूम टेम्परेचर हमारा ज्यादा है, अभी 22 हाँ है, हाँ तो इसे 22 पे करना पड़ेगा। मैं पहले पूरा पैरामीटर जाना पड़ेगा इसका, इसको 0 करते हैं पहले, गेट जीरो क्यों पर। इसको 0 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें मेंटेन करना है यहाँ पे। शुरू से बताते हैं इसकी, ये ऑफ हो गया। अभी हमें यहाँ पहले सेट वैल्यू करनी है, 22.3 है, इतने सेट कर देते हैं इसको। रूम टेम्परेचर पर ही इसको ऑटो ट्यून करते हैं, ये होगा। अब इतने फोन करते ये ऑन करें, हो गया अभी, तब तक ये ऑटो ट्यून दिखाता रहेगा जब तक ये इसको रीच नहीं कर जाएगा। नहीं ये पर्पस नहीं है, हमारा नहीं पर्पस कुछ और था। नाम से हमारा था पर्पस ये था ऑटो ट्यून का, एक तो पैरामीटर उसके लिए हो गया टेम्परेचर मेंटेन के लिए, दूसरा इसके पैरामीटर डिफॉल्ट सेटिंग के लिए। हाँ ऑटो ट्यून, मतलब हसन ने बोला था ऑटो ट्यून ऑन करके तुम ऑन अभी देखो करोगे ये 0 है ना, ये सारी अभी सेटिंग अपने आप पिक कर हम इसको लेगा। पास पे करके छोड़ देते हैं, अब ऑटो ठीक ट्यून है। ऑन करेंगे ना, अभी इसको ऑटो ट्यून ऑन करते हैं, बस अब देखते हैं ये ऑटो ट्यून होता है कि नहीं होता है। वो अपने आप सारे पैरामीटर कर लेगा। सेंसर ये ऑटो ट्यून होता जा रहा है अपना आप, 50 जब उसने जितना सेट करा है उतना पहुंच जाएगा, 22.5 तो पे बस जा एक हो एक डिग्री आगे गया, जीतर होता बस हो रहेगा गया, मीटर अभी बंद। नहीं हो गया, 5 हो गया। अभी ऑटो ट्यून चल रहा है, तो इसमें बंद हो जाएगा ये ऑटो ट्यून वाला। हाँ हाँ ये ब्लिंक बंद हो जाएगा जब ऑटो ट्यून हो जाएगा। अभी क्या है, एक जो हमने टेम्परेचर सेट करा है उससे पहले ज्यादा जाएगा, हायर जाएगा, उसके बाद लो होगा। अभी देखो 23.1 हो गया, अभी कम आएगा 22.5 पे, उसके बाद उस पॉइंट पे वो दोबारा ऑन हो हाँ जाएगा दोबारा होगा। और ये होता रहेगा एंड तक ही। इसका सैचुरेट कोई भी सैचुरेट ऑटो ट्यून छोड़ करने के लगता है, फाइंड इस पॉइंट पर आके ऑटो ट्यून हो जाएगा, सारी डिफॉल्ट सेटिंग में सब कुछ हो है जाएगा, यार वही इसके चेक करना है। कनेक्शन सीख गए, वो ट्विच सीख गए, रोटर ये सीट के आ गया, कलेक्शन सर आ जाएंगे आपको, पुश बटन के ये तो देखने आ गया पड़ेंगे, मेरे को। ये नहीं आएंगे। पुश बटन क्या आता है? पुश बटन के कनेक्शन आपने कह दिया, एक बार इसमें लगा दिया हमने, नहीं नहीं एक से ऐसे निकाल दिया। ऐसे। हाँ ट्रिगिंग होती है ना, ट्रिगिंग के लिए कहाँ से सप्लाई, होल्ड कहाँ से कर रहा है वोल्टेज, ये हाँ बताओ। समझ गया ना, सर्किट बनाना पड़ता है होल्डिंग का, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो और वही वो ना समझ में नहीं करें। आएगा धीरे। नहीं भाई आ जाएगा, तू अच्छा टेंशन ना ले, बस मेरे को ये मसला इसका समझ